सो फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन और हम लोग अब कलर खेल लिए हैं। यहाँ पे ब्लू कलर मिल रहा है, रेड कलर खत्म हो गया है तो वही ले आए हैं। मामी बात कर रही, मैं कैसे है मामी की कचौड़ी लेने जा रही हूँ। मामा हैप्पी होली, हैप्पी होली। कलर लगाए शेंकी के फेस पे। हैप्पी होली पापा के, हैप्पी होली, हैप्पी होली। शेंकी डर रहे रंग से। गन्ना खाओ बाबू, गन्ना गन्ना खा लो। भाई रखे रहा भाई बहुत लोग। सो फ्रेंड्स, ये शेंकी यहाँ डांस कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। इनके पापा कह रहे रहने दो, तो यहाँ चिप्स बनी रखी है तो ये देखिए खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। इनकी दादी लोग देख रही हैं और चाची उधर बैठी हैं चूल्हे के पास, खाना बना रही हैं। है तो गैस भी, लेकिन वो गैस से काम नहीं चलता ना, ज़्यादा खाना बनता है तो इसलिए दादी को बहुत दया आ रही है। तो वो कह रही मेरा बाबू थक गया है, रहने दे डांस करने को, आजा बाबू मैं खिला लूँ। इनकी दादी अभी काम वाम करने जा रही हूँ उधर भैंस वैस के पास, लिए साड़ी थोड़ा मतलब घुस के रखे हुए हैं। पापा इनके फ़ोन देख रहे हैं। ये देखो अब यहाँ शुरू हो गए हैं चारपाई के ऊपर मस्ती करने लगते हैं। शेंकी तो बहुत खेला, बहुत मस्ती की। इधर पंखा चल रहा है, ये कूलर रखा है बड़ा वाला, उधर फ्रिज है, अलमारी है सब कुछ हमारे घर में। और नया मकान बना है थोड़ा सा, बस प्लास्टर नहीं है। ये देखिए चाचा के साथ अपने मस्ती हो रही है, जैसे वो लेटे वैसे लेटे। ये खेत से आए हैं तो वो लोवर ओवर पहने, ये देखो डांस हो रहा है। यहाँ गाना बज रहा है, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, इनकी दादी ने लगाया है। ये बैठी है इधर और शेंकी और इनके चाचा खूब डांस करे, खूब मस्ती कर रहे हैं। पापा उनके लेट के हंस रहे हैं। ये देखो, ये देखो, जैसे चाचू करेंगे वैसे ही करेगा, देखना इसको। बहुत खुश है, बहुत कूद रहा है। जितना खुश है यहाँ नहीं रहता रुद्रपुर में, इतना वहाँ इसने मस्ती किया है। बहुत अच्छा लगा उसको। फिर वहाँ फैमिली मिल गई उनको, अपना परिवार, तो इसलिए और ज़्यादा खुशी हो रही। कह रहा चाचू उठो, खड़े हो, नाचो, नाचेंगे। पापा इनके मना कर रहे हैं, बाबू रहने दो थक गए हो, लेकिन कह रहा नहीं हम उतरेंगे, डांस करेंगे। ये देखो, ये देखो, कह रहा आओ। वो उधर छुप के खड़े हो गए तो कह रहा इधर आओ, डांस करो आके हमारे साथ, जैसे कर रहे वैसे ही करेगा। देखना, इस वीडियो को खूब एंजॉय करना, आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड्सों में, बहुत मज़ा आएगा। इस बच्चे की शैतानी देख के, शरारतें देख के। इतना छोटा सा था, आप देखिए कितना बड़ा हो गया, शरारत खूब कर रहा है। और ये हम घर आए थे उससे एक दिन पहले की वीडियो है, और जब आए थे तो थोड़ी बहुत क्लिप ली हुई है, देखिएगा आप लोग, बताइएगा कैसा है। घर परिवार हमारा, सीधे साधे लोग हैं, सब अच्छे हैं। ये देखो, ये देखो, भंगड़ा हो रहा है अब। सब लोग हंस रहे हैं, मम्मी बहुत हंस रही हैं, कह रहा आओ नाचेंगे आओ। ये देखो शैतानियाँ हैं बस हो रही हैं खूब। हरियम चाचू इनके जो छोटे वाले हैं वो थोड़ा परेशान थे, उनके बोतल चढ़ी थी, उनको कमजोरी लग रही थी, तो इसलिए वो उधर दूसरे कमरे में लेटे हैं। दोपहर को उनके बोतल लगवा दी, फिर सही हो गए थे, फिर वो ठीक हो गए थे। उसी दिन इनका बर्थडे था शाम को, जिस दिन ये मस्ती कर रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं घर में लेटे हुए। ये देखो कैसे हो रहा है। गिर जाता लेकिन तब भी। ये इधर हरिओम लेटे, इनकी तबीयत नहीं ठीक है, उधर रूबी है वो चाची। यहाँ मैं इनके पापा इनके ऊपर पंखा, गर्मी काफी होने लगी है ना, गर्मी बहुत होने लगी है। पंखा चला रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। ये है हमारे शेंकी, आज शेंकी का है बर्थडे। शेंकी क्या है? हैप्पी टू यू। हाँ, शेंकी का है हैप्पी टू यू। शेंकी नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम नहाने जा रहे हैं। नहाने जाएंगे, फिर जाएंगे मोहम्मदी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे मोहम्मदी और कैसा है वहाँ सब कुछ। हमारा मायका है मोहम्मदी, इसलिए हम जानते हैं। कस्बा है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर पे है। तो वहाँ सब कुछ मिल जाता है, तो इनके लिए केक वेक सब चीज़ वहाँ से लेकर आएंगे। ये देखो रूबी कपड़े धो रही है। यहाँ पर क्या धो रही हो? पलंग पोछ धो रही है। धो लो भैया, हम जा रहे हैं नहाने। अब हम लोग तो मैक्सी पहने हैं, नहाने जा रहे हैं बाथरूम में। वो कपड़े पड़े हैं, वो पेटीकोट साड़ी नहाएंगे, फिर रेडी हो जाएंगे। भैंस बनी है वहाँ, भैंस आ गई है। टैंकी तो बहुत गंदे बच्चे हैं, कितनी सारी मटर लगी है, कितनी सारी मटर लगी है। मटर खेत में हमारे, तो मटर लगी है, मटर वाली घास आई है। इसमें सब मटर लगी है। अरे वो गाड़ी खड़ी है, एक उधर वो गाड़ी खड़ी है। देवर जी की गाड़ी खड़ी है, ये हमारी खड़ी है। मशीन लगी है चारा वाली, काटने वाली। कपड़े पड़े, हाँ। मम्मी पानी पीने जा रही है। अभी हम लोग नहा नहीं, हम नहाएंगे। बैठ के बना ले, क्या बना ले बता। वीडियो बना ले, बैठ के वीडियो बना ले बैठ के। हाँ, मम्मी पानी पीने जा रही है, पक जाएगी। अच्छा, अब आएंगे खेत से। अच्छी बनाई लोग वीडियो। बोतल लगी, हरिओम की बोतल लगी। उनको कमजोरी लग रही थी, छोटा ले देवर को थोड़ा, उनके बोतल लगी आज। चैंकी, क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। ये झालो हमने बनाई थी, आप लोगों को बोला तो दिखाएंगे, तो दिखा नहीं पाए थे, तो बनाई थी। कस रखा है, वो पैक पैक करके लाए थे। वो है बिस्तर पड़ा है, उधर बकस है, सामान वाने। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे रेडी होके। बाय। अभी रेडी हो गए हैं आने के लिए, तो उदास हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। शैंकी भी उदास ही बैठा है दूध पी के, तो सोच रहे हैं, देखिए अजीब सा लग रहा है कि घर से इतने दिन रहे सबके साथ, फैमिली वालों के साथ, फिर जाना पड़ता है वहाँ रुद्रपुर, तो अच्छा नहीं लगता है सोच के। बस थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि सब लोग के साथ इतना अच्छा से मतलब रहे हैं और जा रहे हैं। ये दीदी पैसे वैसे दे रही हैं बाबू को, वो भी उदास हैं, देखो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी घर वाले को अच्छा नहीं लगता जब हम लोग आते हैं, सब लोग यही कहते हैं यहाँ रहो। शैंकी के पापा सब कुछ रख लिया है बैग वैग, और इनका थैला है, उसकी बोतल वोटल है, और उसमें राशन वाशन मम्मी ने रख दिया था। तो सब लोग खड़े हैं, अब विदाई हो रही है हम लोगों की। मैं फ़ोन लिए हूँ, इधर रिकॉर्ड कर रही हूँ, उधर मम्मी है। पापा उधर रिकॉर्डिंग करने लगे थे, और ये जीजा हैं सेकंड कर रहे हैं शैंकी से। कह रहे हैं, शैंकी कह रहा नहीं मैं करूँगा, पापा साथ जाऊँगा, कोई मुझे बोली फिर से ना ले ले, मैं छूट जाऊँगा, इसलिए किसी को हाथ भी नहीं दे रहा अपना। अब चले नानी थी, इधर रूबी खड़ी है, शैंकी की चाची, हमारी देवरानी मंजली। पैसे वैसे दे रहे हैं सब लोग शैंकी को, ये हम है। सब लोग देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विदाई हो रही है, सब उदास हैं घर में, कह रहे भी रुक लो रुक लो। यहाँ पे खेत आ गया है, यहाँ से हम घर के बाहर फिर निकले, सबको टाटा बाय कर दिया था तो सब रोने लगे थे, उदास हो गए थे। फिर मैंने वो क्लिप ली नहीं, सबको छुपाने लगे थे। और उसके बाद ये खेत स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ये जो पीला बोर्ड लगा है, यहाँ पे जिंद बाबा हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी एक मज़ार बनी हुई है, जो मांगो सच्चे जिससे वो मुराद पूरी होती है। उसके बाद ये खेत हैं, धान गेहूँ लगे हुए हैं, और ये बाग है, मैंने जैसा दिखाया था आपको जब मैं आ रही थी। ये कुछ गांव के लोग ही जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए कितना सुंदर, कितना हरा हरा, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव से जब निकल के आते हैं, मतलब रोड के उधर जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। सुबह का मौसम था, ठंडा ठंडा सा, और थोड़े उदास भी थे हम लोग, तो अपनी ली नहीं थी क्लिप, बस वैसे रोड की ही ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अपना भाई जब घर छूटता है तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। मूड अच्छा नहीं था, तो टेंशन में थे हम लोग। आते हैं तो बहुत खुशी होती है, घर जब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इनके पापा भी टेंशन में थे, वो भी सीरियस हो जाते हैं। ये आ गई बस मोहम्मदी, थोड़ी सी देर में आ जाती है। ये देखिए घर स्टार्ट हो गए, यहाँ पे बने हैं, फार्म है, बाग है, यहाँ पे हमारा स्कूल भी है। ये उनका, जिनका स्कूल है उनका ये फार्म हाउस है। जिस स्कूल में हम लोग जॉब करते थे वो स्कूल भी अभी आएगा देखना। ये पौधशाला है, वहाँ पे केले की पेड़ मिलती है, टमाटर है इस समय उसमें। ये घर मकान बने हुए हैं सब, वहाँ पे बस बनी रही है कॉलोनी, प्लाटिंग हो रही है। प्लाटिंग के बाद सब मकान अपने अपने लोग बना रहे हैं रहने के लिए। नया ही बस्ता चला जा रहा है। ये मदरसा है, ये एक हॉस्पिटल है, ये स्कूल आ गया हमारा। ये देखिए स्कूल है, इसके पब्लिक निकल गया। ये जो रेड वाला ये गेट है स्कूल का, यहाँ हम लोग जॉब करते थे, पढ़ाते थे, अब से 4 साल पहले। अब बस रोड आ गई है पुआ वाली, और हम अपने घर के रास्ते पे निकल पड़े हैं रुद्रपुर के लिए। तो ये फोर लाइन आ गई है, इस पे ही जाएंगे। और ये टावर है, ये हमारे खेत में, हमारे मायके के खेत में लगा हुआ है, टेलीफोन एक्सचेंज। ये सब हमारे खेत हैं, मायके वालों के ही खेत हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, उधर ससुराल वालों के थे पीछे, यहाँ मायके वालों के हो जाते हैं स्टार्ट। हरा हरा सा ये गांव पड़ता है यहाँ पे, मगरेना कुआ से पहले, तो वही गांव है, गांव के ही सीन है। वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं सुबह में, सब लोग निकले हुए। अब थोड़ा आगे निकल के फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, घर से चले आए हैं, और यहाँ पे हाथ बहुत दर्द होने लगा है, तो बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। इसमें यहाँ ये कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, ये क्या होता है, यात्रियों के लिए कुछ है, यात्री शेड में बैठे हैं। बाबू चले आए दादी घर से, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, नहीं अच्छा लग रहा है। दादी के घर से आ गया है बाबू, सोते हुए आया है। अभी हम लोग बीसलपुर पहुंच चुके हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। ठंड लग रही बहुत रास्ते में। बहुत ठंड लग रही थी, हरा हरा है। अब पीठ दर्द होने लगी बैठे बैठे। स्टोल से सैंकी को लेके आए हैं, छुपा के उड़ा के लेके आए। हवा बहुत चल रही थी, ठंडा था मौसम। भूख लगी है बाबू आपको? भूख लगी है, क्या खाओगे? सैंकी के पापा को भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल कह रहे घर जाओ तो छुट्टी हो जाती है ज़्यादा, और अच्छा नहीं लगता है, जाओ तो बहुत मन अच्छा होता है, एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, वापस आओ तो अच्छा नहीं लगता है। क्या करें, जाना तो है अभी ना बाबू। दादी, चाची, चाचू सब लोग घर पे हैं, बाबू चला आया सबको छोड़ के। अब किसके साथ कूदोगे? ये पकड़ लिया। तो तो सैंकी के पापा कुछ ज्यादा ही उदास है, मैंने इनको हंसाया तो वो हंसे थे। अब यहाँ पे फिर भूख लगने लगी थी, थोड़ा आगे बढ़े तो गरम गरम समोसे बन रहे थे सुबह के ही टाइम कढ़ाई में, तो मन होने लगा तो इनके पापा ने बोला चलो खा लेते हैं गरम गरम समोसे, तो हम लोग वहीं खाने लगे। कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, एक टीन सेट ही लगा था तो वहाँ वो भैया बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, गरम गरम देख के मन हुआ तो हम लोग खाने लगे थे। सैंकी पानी पी रहे समोसे खा के और हमने इनके पापा ने फिर तीन समोसे खाए, बहुत भूख लग रही थी और वो पैसे दे रहे हैं उधर। अब आगे थोड़ा और बढ़े तो प्यास लगने लगी, धूप तेज हो गई थी, फिर जूस पीने लगे गन्ने का। मैंने कहा नहीं, लेकिन इन्होंने कहा चलो पी लेते हैं, पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, परेशान हो गए थे हम। तो यहाँ गन्ने का जूस पी रहे हैं, पीलीभीत में जूस पिया, बीसलपुर में समोसे खाए। ये खड़े हैं कह रहे हैं चलो जल्दी से आ जाओ, हम कह रहे हैं रुक जाओ पी लें आराम से, अच्छा लग रहा था जूस। पीछे आइसक्रीम का ठेला खड़ा है। सैंकी जूस पी नहीं रहे थे, मांग रहे थे पियेंगे लेकिन फिर पिया नहीं। फिर हम लोग बैठ गए थे और सैंकी कह रहे हम आगे बैठेंगे, आगे पापा मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो इन्होंने बैठा लिया। तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, सैंकी गाड़ी चला रहे थे। पी पी सैंकी को आगे बैठने में बहुत मज़ा आता है, ये सोचता मैं ही चलाता हूँ। तो ये गाड़ी चला रहा था, फिर बैठ के आगे हम बैठे हैं पीछे। हवा बहुत तेज चल रही थी और हरा हरा ये व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सैंकी है अभी हमारे सोए नहीं है, इस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, तो वो थोड़ा सा गेम देख रहे हैं अपना। तो बस यही सब वो है इसमें। तो हवा चल रही थी बहुत तेज और बस बैठे थे हम लोग उदास की, जल्दी से अब बस घर पहुंच जाएं, यहाँ रूम पे आ जाएं तो जाके कुछ रेस्ट करें, आराम करें। बहुत तेज़ धूप हो गई थी, सुबह निकले थे 7 बजे और बज गया था 12 बजा था तभी तेज़ धूप हुई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके थे कल घर से, बहुत ज़्यादा थके थे तो वीडियो बना ही नहीं पाए वहाँ पे, मतलब बहुत थके थे, आए और सो गए। उसके बाद मेरे फीवर आ गया, फिर दवा खाई तो थोड़ा ठीक हुए हैं आज। यह दूसरा दिन घर से आने के बाद, रात को मशरूम और चावल रोटी बना नहीं पाते सैंकी के पापा तो मैंने बनाई नहीं, और मशरूम की सब्जी बनाई थी, मटर मशरूम चावल वही खाए हम लोगों ने और फिर सो गए। फिर मेरी बहुत तबीयत और ख़राब हो गई, लेटीने लूज मोशन आ रहे थे, मतलब लूज मोशन तो मुझे घर से ही स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद क्या नाम यहाँ आए, दवा खा ली, फीवर की भी खाई तो बहुत सूख गया था शरीर, जैसे लग रहा बॉडी में पानी नहीं। फिर रात को पेप्सी लाए, दही वही लाए, वो खाया तो थोड़ा आज ठीक है, आराम में नहा लिए हैं हम सब लोग, तीनों लोग। उनके पापा सैंकी मालिश करा रहे हैं अपने पापा से, तो मालिश हो रही है। हम खाना बना रहे हैं, खाना बहुत लाइट बन रहा है, मूंग की दाल खाते नहीं हैं तो उड़द की दाल खाते हैं तो वही बना रहे हैं, और चावल बन रहे हैं इधर हमारे, अभी खाएंगे फिर मिलते हैं आपसे। देखो गुजिया खा के कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, देखो भुजिया हैं, पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। मेरे लिए रात को लाए थे तो मैंने पिया तो सही थोड़ी तबियत। क्या पी रहे हो बताओ? चलाई तो लाइट चली गई थी, फिर चली है 2 घंटा चली गई। अब लेटेंगे, आराम करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, फिर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। खीरा भी दे दे? नहीं नहीं खाओगे किसके संग? लो पानी। अरे डाल तो घी डाल लो। हम तो थोड़ा सा ही डालेंगे, पेट ठीक नहीं है। आ जाइए सब लोग, खाना खा लीजिए आके। तो क्या काली दाल चावल मूंग की जब नहीं खाते हो तो कोई क्या करे, तो काली तो बनानी ही है। हाँ रोज मोशन आ रहे हैं तो क्या करें। फ्रेंड्स रास्ते में बहुत गर्मी थी, धूप थी मतलब तेज, तो इसलिए बहुत तबीयत खराब हो गई हम लोगों को, बुखार आया, लूज मोशन हो गए, इसलिए हल्का खाना खा रहे हैं। रात को तो हालत ही नहीं थी कुछ देखने की बताने की। और ये पीछे आके मच्छरदानी बांधती तो सुकून सो, इतने मच्छर हो गए हैं गर्मी के सीजन में क्या बताएं, बहुत मच्छर हो गए हैं तो सोए हैं। बाबू मेरे सो गए हैं, ये देखो आराम से सो रहे हैं, मालिश हो गई, नहा लिए, तेल वेल लगा दिया इनके पापा ने, इसलिए सो गए। और फ्रेंड्स क्या बताएं, घर पे खूब मस्ती किया शैंकी ने इतनी शरारत की अपने चाचू के साथ, देखना आप लोग बहुत मजा आएगा आपको। और हम लोगों ने भी खूब मस्ती किया, खूब खेले, हंसे, बोले, बारह एक बजे रात तक बातें करते रहते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम। और इनके पापा फ़ोन चलाते थे, हाँ हमारे फ़ोन में जियो सिम है तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो वो चलता ही नहीं था, इसलिए वीडियो भी बहुत देर से अपलोड होती थी, 24 घंटे में अपलोड हो रही थी, तो वहाँ पे इतना कर ही नहीं पाए कुछ, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी है तो वो देखिए आप लोग और बताना। हाँ और बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो बताना कैसा है। ठीक है हम खाना खा लें। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, 300 तो सब्सक्राइबर कर ही दीजिए, अभी तक 300 ही नहीं किया आप लोगों ने, बहुत दिन हो गए हैं, अब कोई कर ही नहीं रहा है। देखते हैं लाइक कर देते हैं, कमेंट भी नहीं करते, ना तो शेयर करते ना सब्सक्राइब करते हो, कर दीजिए ठीक है दोस्तों। ठीक है बाय, अब ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है हमारी तबीयत, फिर बाद में मिलते हैं।